होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुछ पौराणिक पात्रों के बारे में जिनका जन्म पिता के वीर और माता के गर्भ के बिना हुआ है। आठ के बारे में बता चुका हूं, आठ के बारे में वापस बता देता हूं इस वीडियो में। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में कई ऐसे पात्र का वर्णन मिलता है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर के हुआ था। हम आपको इस वीडियो में आठ के बारे में बताएंगे क्योंकि आठ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इनमें से कई पात्रों के जन्म में माँ के गर्भ का कोई योगदान नहीं था तो कुछ पात्रों के जन्म में पिता के वीर का, जबकि कुछ का दोनों में। अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे द्रोणाचार्य मकर ध्वज वगैरह के बारे में बता चुका हूं। अब सबसे पहले हम आते हैं इस वीडियो में ऋषि ऋषिशृंग के जन्म के बारे में। ऋषि श्रृंग महात्मा कश्यप मतलब विभांडक के पुत्र थे। महात्मा कश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए, वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में उनका वीर स्खलित हो गया। उस वीर को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में वो हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म लेगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋषिशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे, उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋषिशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के मुख्य रूप से ऋषिशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। फिर कृपाचार्य व कृपी के जन्म की कहानी मैं आपको बताता हूं। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्राम। विवानों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्राम की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्हें शरद्राम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देव कन्या भेजी। वह शरद्राम के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्राम के हाथों से धनुष वान गिर गए। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष वान आश्रम और सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका वीर सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वो दो भाग में बट गया। उसे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक और बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम कृप और बालिका का नाम रखी कृपी। जब शरद्राम को यह बात मालूम हुई तो वे राजा शांतनु के पास आए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों वेदों के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़ी दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश के कुल गुरु नियुक्त किया गया। फिर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपने पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवाना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया
तो यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्नि कुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वो अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा दृष्ट मतलब ठीक और असहिष्णु होगा। उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम दृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। फिर राधा के जन्म की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपकी छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायान की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विच्छोह रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्हें राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी और युनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। फिर राजा सगर के 60,000 पुत्र के जन्म की बात। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय पर्वत पर पुत्र कामना से जाके तपस्या करने लगे। अभी जब उन्हें तपस्या कर रहे थे तो तपस्या से खुश होकर तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होगा और दूसरे से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के गर्भ पिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसा ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो राजा के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। फिर जनक नंदिनी सीता की जन्म कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, अथमे कृषितः क्षेत्रम लांगला दुत्थिता ततः क्षेत्रम सोदया लब्धा नामता सीतिते विश्रुता भूतला दुत्थिता सा तू व्यवर्थ ममात्जा। अर्थात एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था, उसी समय हल के अग्रभाग से ज्योति गई भूमि से कन्या प्रकट हुई, सीता। हल द्वारा सींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा। पृथ्वी से प्रकट हुई वो मेरी कन्या क्रम से बढ़कर स्यानी हुई। फिर मनु और शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु और शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के पिता के रूप में किया जाता है। इन्हें यादि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता और सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं।
मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्म शास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु ने स्मृति की रचना मनुस्मृति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात हुआ। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू एवं ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचीतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनु स्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। अब हम आते हैं आखिरी गाले पे, आखिरी पौराणिक बात, और वह है राजा पृथु के जन्म की बात। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे, विवेन के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्र पुत्र कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कम बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरे धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबर खाबर धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों पर्वतों झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल